खबरों इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत, मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। पंजाब दीआं 7 नगर निगमां ते 109 नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां लई पोईआं गईआं वोटां दी गिणती शुरू। मोहाली नगर निगम दे वार्ड नंबर 10 दे दो पोलिंग बूथां ते अज दोबारा वोटिंग करवाई जा रही है। गिणती अते नतीजा भलके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर खेती सुधार कानूनों को छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों के लिए लाभकारी दसिया। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों केंद्रीय बजट संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के डायरैक्टरों नाल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर के बाढ़ छावनी बोर्डों लई ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। देश भर में हुण तक 87 लाख तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। मध्य प्रदेश के सिद्धी में सवारियों नाल भरी एक बस के नहर में डिगण कारण वापरे हादसे में घट्टो घट 45 मुसाफरों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होरना सीनियर नेतावान ने हादसे में मारे गए लोगों प्रति डूंगा दुख प्रगट किया। चार क्रिकेट टैसट मैचों की लड़ी के चेन्नई में खेडे गए दूजे मैच में कल भारत ने इंग्लैंड 317 दौड़ों के वड्डे फर्क नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दीआं 8 नगर निगमां 109 नगर कौंसलां अते नगर पंचायतां दीआं चोणां लई 14 फरवरी नूं पोईआं गईआं वोटां दी गिणती अज कीती जा रही है। वोटां दी गिणती मगरों मोहाली नगर निगम नूं छड्ड के चोण नतीजे ऐलाने जाणगे। सूबा चोण कमिशन वल्लों वोटां दी गिणती नूं लै के सुरक्षा दे पुख्ता बंदोबस्त कीते गए ने। कमिशन ने मोहाली नगर निगम दे 10 नंबर वार्ड दे दो पोलिंग बूथां विच मुड़ तों वोटां पोए जाण दे हुकम जारी कीते ने। कमिशन दे एक बुलारे ने चंडीगढ़ दस्सिया कि कमिशन नूं मोहाली दे जिला चोण अधिकारी वल्लों इह रिपोर्ट भेजी गई सी कि 10 नंबर वार्ड के 32 ते 33 नंबर बूथां विच वोटिंग दौरान बेनियमियां होईआं ने। बुलारे ने कहा कि कमिशन ने इस रिपोर्ट का गंभीर नोटिस लैंदा बीते ऐतवार नूं पोईआं गईआं इन्हां दोहां बूथां लई वोटां नूं रद्द करन अते अज मुड़ तों वोटां पाउण दा ऐलान कीता है। वोटां सवेरे 8 बजे तों शाम 4 बजे तक पोईआं जाणगीआं अते मोहाली नगर निगमां लई पोईआं गईआं वोटां दी गिणती हुण 18 फरवरी नूं सवेरे 8 बजे होवेगी। इस तो पहला सूबा चोण कमिशन ने पटियाला जिले के समाणा और पातड़ा के 3 बूथों में 14 फरवरी को पाई गई वोटा रद्द कर कल उत्थे मुड़ तो वोटा पाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती सुधार कानूनों का एक बार फिर जिक्र करदिया इन्हों छोटे ते मध्यम वर्गी किसानों लिए लाभकारी दसिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस राही बहराइच में महाराजा सुहेल देव के बुत की स्थापना का नींह पत्थर रखदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां ने खेती कानूनों बारे गुमराहकुन प्रचार किया है। उन्होंने विरोधियों से तंज कसदिया कहा कि जिन्हां ने देश के खेती बाजार में विदेशी कंपनियों बुलाने लिए कानून बनाए वह अज देसी कंपनियों के नाँ ते किसानों डरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुधारों नाल छोटे ते मध्यम वर्ग के किसानों लाभ मिलना शुरू हो गया है जिसका असर उत्तर प्रदेश में खेती कर रहे किसानों के तजर्बों से देखा जा सकता है। इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई, ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। आलमी जलवायु तब्दीली नूं लैके बरतानवी मैंबर पार्लीमेंट अते संयुक्त राष्ट्र की जलवायु तब्दीली बारे पार्टियां की कॉन्फ्रेंस के मुखी आलोक शर्मा वल्लों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की गई। सूत्रां दे हवाले तो मिली जानकारी मुताबक दोहां नेतावां विचाले 26वीं जलवायु तब्दीली कॉन्फ्रेंस के वख-वख पहलुआं ते विचार वटांदरा किया गया। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरिस समझौते प्रति भारत की वचनबद्धता नूं दोहराया अते COP26 के सफल नतीजियां नूं हासिल करन लई आपसी सहयोग नाल काम करन दा भरोसा दिता। प्रधानमंत्री ने भारत और बरतानिया के संबंधों वधेरे मजबूत करने हमउदा बोरिस जॉनसन नाल रल मिल के काम करने की वचनबद्धता दोहराई।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संयुक्त राष्ट्र की जलवायु तब्दीली ढांचागत कन्वेंशन की फैसले लैन वाली इकाई है और चालू वरे नवंबर महीने में इस दा 26वां सैशन बरतानिया के ग्लासगो होने जा रहा है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के डायरैक्टर विचाले केंद्रीय बजट 2021-22 के वख-वख पहलुओं को लेकर मीटिंग हुई। इस वर्चुअल मीटिंग दौरान खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट के पिछे सरकार की सोच और तरजीही खेत्र बारे विचार नाल जानकारी दी। इस गलबात दौरान बोर्ड के मैंबर ने बजट तो इलावा होरना संबंधित पहलुओं के विचार दिए और सुझाव भी पेश किए। बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की प्रधानगी हेठ हुई इस 587वीं मीटिंग में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति कौमी घरेलू चुनौतियां रिजर्व बैंक के कामकाज की समीक्षा की गई। इस तो इलावा बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली वधेरे मजबूत करने का मुद्दा भी मीटिंग में विचारिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवी दिल्ली में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके उन्होंने कहा कि देश के दे छावनी इलाकों के वसनीक हुण अपने नागरिक मुद्दों संबंधित शिकायत इस पोर्टल से दर्ज कर सकेंगे और घर बैठे ही उन्होंने समस्यावां नूं हल कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार प्रणाली नूं बेहतर बनाउण अते लोकां लई ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार लियाउण लई वचनबद्ध है। राजनाथ सिंह ने कहा कि छावनी प्रोजैक्ट का उद्देश दे 62 छावनी बोर्डां दे 20 लाख तो वध नागरिकां नूं ऑनलाइन म्यूनसीपल सेवावां उपलब्ध कराउणा है। इस पोर्टल राही नागरिक अपने रिहायशी पट्टियां ते नवीनीकरण लई ऑनलाइन अर्जी दे सकणगे अते जन्म ते मौत बारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराउण दे नाल नाल पाणी अते सीवरेज दे कनैक्शनां लई भी ऑनलाइन अर्जी देण दे समर्थ होणगे। उन्होंने कहा कि पोर्टल से दित्तियां जाण वालियां इन्हां सेवावां नाल छावनी खेत्रां विच रहण वाले लोकां ना सिर्फ वधेरे सहूलतां प्राप्त होणगीआं बल्कि अपने काम कराउण विच भी किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पवेगा। समागम विच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद सन। केंद्रीय सड़क आवाजाई और शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग देश भर में आवाजाई के सुखालेपन का एको एक विकल्प है। चेन्नई में पत्रकारों नाल गलबात करदिआं गडकरी ने कहा कि आवाजाई नूं निर्विघन बनाउण दा इक्को इक रस्ता फास्टैग प्रणाली नूं मुकम्मल तौर ते लागू करना है। उन्होंने कहा कि इस तों इलावा डीजल अते पैट्रोल की बजाय होरनां विकल्पां नूं भी प्रफुल्लित करन दी लोड़ है। सूखम छोटे अते दरम्याने उद्यमां दा जिक्र करदिआं गडकरी ने कहा कि सरकार प्राइवेट सनअतां नाल मिल के इस खेत्र विच खोज अते विकास नूं अगे वधा रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना तहत सनअतां नूं बरामद वधाउण लई चंगे डिजाइन गुणवत्ता और म्यारी प्रोसैसिंग में सहयोग किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि देश में आटोमोबाइल सनत का भविख बेहतरीन है और यह सनत लखां लोगों को रुजगार भी दिंदी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने मंत्रालय की देश में ड्राइवर तो बिना कारा लियाउण की कोई इच्छा नहीं है क्यों जो देश में वड्डी गिनती में लोग ड्राइवर के पेशे नाल जुड़े हुए हैं। देश भर में हुण तक 87 लाख तो वध लोगों का COVID-19 टीकाकरण किया जा चुका है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई ताज़ा जानकारी मुताबिक 435,527 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई जिस नाल टीकाकरण की कुल गिनती 87,20,000 तक पहुँच गई है। दूजे पासे COVID-19 तो सेहतयाब होने की दर भी वध के 87.32% हो गई है। मंत्रालय मुताबिक बीते दिन 11,809 कोविड केसा की पुष्टि हुई। हुण तक 1,06,00,000 तो वध मरीज महामारी तो मुक्त हो चुके हैं। देश भर में कोविड के एक्टिव केसों की गिनती 1,36,872 है जो कि कुल केसों का 1.2% बनता है। मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक बीते दिन 9,191 केसों की पुष्टि नाल हुण तक कुल केसों की गिनती 1,09,00,000 तक पहुँच गई है। जानकारी मुताबिक बीते 24 घंटे में महामारी 81 मरीजों की मौत हुई जिस नाल मरण वाले की कुल गिनती 1,55,000 हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एमेजोन वालों भारत में इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करने का फैसला किया गया है। एमेजोन इंडिया ते कंपनी के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट अमित अग्रवाल नाल मीटिंग मगरों इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी उत्पादों की आलमी सप्लाई लड़ी में एक महत्वपूर्ण खिडारी वजो उभर रहा है और नाल ही निवेश लई आकर्षक टिकाणा बनया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों उत्पादन नाल संबंधित प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत नूं आलमी पद्धर ते भरपूर हुंगारा मिलिया है जिसकी बदौलत भारत में विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है। रविशंकर ने एमेजोन के इस फैसले का स्वागत करदिया कहा कि चेन्नई में स्थापित किए जाने वाले निर्माण यूनिट नाल जिथे घरेलू उत्पादन समर्थावां विच वाधा होगा उत्थे ही रुजगार के मौके भी पैदा होणगे। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के मिशन विच भी अहम योगदान पावेगा। एमेजोन वालों चेन्नई में फायर टीवी स्टिक का निर्माण इस वरे के अखीर तक शुरू कर दिया जाएगा जिसलिए कंपनी की सहयोगी इकाई क्लाउड नैटवर्क टैक्नोलॉजी वालों काम शुरू किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के सिद्धी जिले में सवारियां नाल भरी एक बस के नहर में डिगण कारण वापरे हादसे में घट्टो घट 45 मुसाफरों की मौत हो गई है। स्थानक पुलिस मुताबक 7 जणियां नूं हुण तक बचाया जा चुका है। पुलिस वल्लों दित्ती गई जानकारी मुताबक यह बस सिद्धी तो सतना जा रही थी जिस दौरान हादसे का शिकार हो गई। हुण तक सूबा संकट मोचन बल ते पुलिस के गोताखोरों वल्लों 45 लाशां बरामद की गई हैं जिन्हां विच 24 पुरश 20 महिलावां अते एक बच्चा शामिल है। बचाव दलों वल्लों पानी के बहन विच रुड़े होरना मुसाफरां दी भी भाल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते होरना सीनियर नेतावां वल्लों हादसे विच मारे गए लोगों के परिवारों प्रति डूंगी हमदर्दी जाहर की गई है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के वारसा लई 2 लाख अते हादसे विच गंभीर जख्मियों लई 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मृतकों के वारसा लई 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। झारखंड के लोहारदागा जिले में नक्सलियों नाल होए मुकाबले दौरान CRPF का एक जवान शहीद हो गया। स्थानक पुलिस अधिकारियों वल्लों दित्ती गई जानकारी मुताबक CRPF और पुलिस दी टीमां ने लोहारदागा जिले के सिरंगदाह पुलिस थाने अधीन पैंदे जंगलों में नक्सल विरोधी मुहिम आरंभी सी जिस दौरान नक्सलियों वल्लों किए गए IED बंब धमाके में CRPF का जवान दिलेश्वर पार सिंह भीरू भी जख्मी हो गया जिसनों तुरंत हैलीकॉप्टर राही इलाज राही रांची भेजा गया जिथे उसने जख्मों की ताब न चलद वीर गति प्राप्त किया। भारत ने दूजे क्रिकेट टैसट मैच में इंग्लैंड 317 दौड़ों के व्डे फर्क न मात दी है। इस जित दोवें टीम 4 टैसट मैचों की इस लड़ी में 1-1 की बराबरी से आ गई ने। चेन्नई में खेडे गए इस मैच में भारत ने इंग्लैंड सामने जित 482 दौड़ों का टीचा रखा सी पर मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूजी पारी में 164 दौड़ा बना के आउट हो गई। भारत वालों अक्षर पटेल ने 5 आर अश्विन ने 3 जबकि कुलदीप यादव ने 2 विकटा चटकिया। इस मैच का स्कोर इस तरह रहा भारत पहली बारी 329 आल आउट इंग्लैंड पहली पारी 134 आल आउट भारत दूजी पारी 286 आल आउट इंग्लैंड दूजी पारी 164 आल आउट। आर अश्विन ने चेन्नई टैसट मैच में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए भारत में सब तो ज़्यादा टैसट विकट लैण के मामले में वह दूजे नंबर पर आ गया है। आर अश्विन ने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 जबकि दूजी पारी में 3 खिडारियों आउट किया। गेंदबाजी के नाल नाल अश्विन ने बल्लेबाजी में भी वधिया प्रदर्शन करदिया दूजी पारी में सब तो वध 106 दौड़ा बनाईया जिस कारण भारत की पारी मजबूत हो सकी। दूजे टैसट मैच भी जित लई आर अश्विन की भूमिका बेहद अहम रही जिस करके उसनू प्लेयर ऑफ द मैच ऐलाना गया। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरें एक बार फिर तो पंजाब दियां 7 नगर निगम 109 नगर कौंसलों ते नगर पंचायतों लई पाईआं गईआं वोटां दी गिनती शुरू। मोहाली नगर निगम के वार्ड नंबर 10 के 2 पोलिंग बूथां ते अज दोबारा वोटिंग करवाई जा रही है। गिनती अते नतीजा भलके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर खेती सुधार कानूनों नूं छोटे अते मध्यम वर्गी किसानां लई लाभकारी दस्सिया। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वल्लों केंद्रीय बजट संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक दे केंद्रीय बोर्ड दे डायरैक्टरां नाल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश भर के 62 छावनी बोर्डां लई ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया। देश भर में हुण तक 87 लाख तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। मध्य प्रदेश के सिद्धी में सवारियों नाल भरी एक बस के नहर में डिगण कारण वापरे हादसे में घट्टो घट 45 मुसाफरों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होरना सीनियर नेतावान ने हादसे में मारे गए लोगों प्रति डूंघा दुख प्रगट किया। 4 क्रिकेट टैसट मैचों की लड़ी के चेन्नई में खेडे गए दूजे मैच में कल भारत ने इंग्लैंड 317 दौड़ों के व्डे फर्क न हराया। तो इस खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।